दोस्तों आज बॉलीवुड की गलियारों से निकल के आई है एक बहुत बड़ी खबर कि भाई 2023 में बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट करने वाले हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार। तो भाई क्या है ये शॉर्ट सर्किट, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाना चाहूंगा कि दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भाई मैंने खिलाड़ी कुमार की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि जॉली एलबी के अगले पार्ट यानी कि पार्ट थर्ड को लेकर ये जानकारी आप लोगों को दे दी थी कि भैया बहुत जल्दी इस फिल्म की घोषणा कर दी जाएगी हम लोगों के सामने कि भाई ये फिल्म बहुत जल्दी फ्लोर पर जाने वाली है। और भाई हाल फिलहाल में ही वो जानकारी ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ गई और वो जानकारी मैंने भी आपको दे दी कि भैया इस फिल्म का काम बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है। यानी भैया जॉली एलएलबी के पार्ट थर्ड को लेकर ये जानकारी पहले हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं इन दिनों इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि सुभाष कपूर। और भाई अब इस फिल्म को लेकर ये जानकारी निकल के हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई सुभाष कपूर ने इस फिल्म के फाइनल स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लिया और वो बहुत जल्दी इस फिल्म को फ्लोर पर लेकर जाने वाले हैं। यानी भैया ऐसी कई खबरें हम लोगों के सामने आई। और भाई इसी फिल्म से जुड़ी हुई एक जानकारी मैंने आप लोगों को आज से 2 साल पहले ही दे दी थी कि भैया इस फिल्म का पार्ट थर्ड जब आप लोगों के सामने आएगा ना, तो भैया पार्ट थर्ड में आपको असली जॉली एलएलबी के साथ भिड़ते हुए नजर आएंगे बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार। यानी कि भैया शुरू शुरू में मैंने जो शॉर्ट सर्किट वाली बात कही थी ना, तो भाई वो मैंने बात इसलिए कही थी कि भाई मुन्ना भाई एमबीबीएस के सर्किट भाई जो है ना, वो एक बार फिर से इस फिल्म में एंट्री मारेंगे अपने मुख्य स्थान को हासिल करने के लिए। क्योंकि भैया जॉली एलएलबी की कहानी की शुरुआत तो इन्होंने ही की थी, लेकिन सेकेंड पार्ट में इनको निकाल कर भैया इस फिल्म में एंट्री करा दी गई थी खिलाड़ी कुमार की। लेकिन भैया आज से 2 साल पहले ही ये जानकारी मेरे हाथों लग गई थी कि भैया पार्ट थर्ड में अरशद वारसी की एंट्री होगी और अरशद वारसी से भिड़ते नजर आएंगे खिलाड़ी कुमार कोर्ट रूम में। यानी कि भैया ये जुगलबंदी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा 2023 में। यानी कि भैया खबरें पक्की है कि दोनों जॉली एलएलबी इस फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार का मुकाबला जब असली जॉली एलएलबी से होगा बॉक्स ऑफिस पर, तो भाई क्या वो उनका मुकाबला कर पाएंगे, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।